तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर, इट्स टाइम फॉर अ क्रीपी वीडियो। तो आज बैठ के मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी क्रीपी वीडियो नहीं डाली है, एंड मैं सर्च कर रहा था कि ऐसे कौन सी वीडियोस हैं जो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में किसी ने नहीं डाली है एंड जो क्रीपी टॉपिक्स के ऊपर है। तो ऐसे ही टॉपिक सर्च करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन इंडियन सीरियल किलर्स। तो आज इस वीडियो में हम कुछ खतरनाक इंडियन सीरियल किलर्स के बारे में बात करेंगे। अगर तुम में से किसी को किलिंग एंड मर्डर वगैरह से दूर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड तुम्हें ये टॉपिक्स नहीं पसंद, तो तुम अभी भी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। एंड अब वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन इज ऑटो शंकर। ऑटो शंकर एक बंदा है जिसका नाम शंकर है एंड वो ऑटो ड्राइव करता है। वो पहले इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिकर, एल्कोहल वगैरह इलीगली ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व था, लेकिन ऑटो शंकर का नाम इंडियन सीरियल किलर्स के लिस्ट के अंदर 1980s में जुड़ा। 1988 में 6 months के अंदर अंदर ऑटो शंकर ने 9 टीनेज गर्ल्स का मर्डर करा था। ये सब कुछ चेन्नई में हुआ था एंड जब ऑटो शंकर को पकड़ा गया तो उसने मेन रीजन कि उसे ये आइडियाज कैसे आया, उसका मेन रीजन मूवीज और सिनेमा को बताया। उसने बताया कि वो मूवीज और सिनेमा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था एंड वो उनके अंदर सारे मर्डर वाले सीन्स देख के ही ऑटो शंकर ने खुद ये सारी चीज़ें करी। ऑटो शंकर ने ये भी कन्फेस करा कि उसने काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस का भी मर्डर करा था। ऑटो शंकर वॉज एबल टू एस्केप द चेन्नई सेंट्रल प्रिजन, लेकिन बाद में दोबारा ऑटो शंकर को उड़ीसा में पकड़ा गया एंड 1995 में ही वॉज हैंग टू डेथ। ये इस लिस्ट में पहला सीरियल किलर था एंड आगे लिस्ट और ज़्यादा डार्क होने वाली है। तो अभी जिनको इसी के बारे में सुन के अच्छा नहीं लगा है वो अभी भी वीडियो लीव कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाते हुए और डार्क होने वाले हैं सीरियल किलर्स। नेक्स्ट इज देवेंद्र शर्मा, जो एक डॉक्टर था। देवेंद्र शर्मा आयुर्वेदिक मेडिसिन का डॉक्टर था। तो ये सुन के दिमाग में यही आता है कि यार आयुर्वेदिक मेडिसिन वाला बंदा क्या कर सकता है, मतलब एक ऐसा बंदा कितने डार्क क्राइम कर सकता है। देवेंद्र शर्मा यूज्ड टू स्टील कार्स एंड स्टील करके सेल करता था कार्स को एंड ही डिडंट माइंड कि अगर किसी को मारना भी पड़े। 2002 से 2004 तक देवेंद्र शर्मा ने जितनी भी कार्स स्टील करी थी उसके सारे ड्राइवर्स को देवेंद्र शर्मा ने मार दिया था। पकड़े जाने के बाद देवेंद्र शर्मा ने खुद कन्फेस करा था कि उसने अराउंड 30 to 40 लोगों का मर्डर करा था एंड देन ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ इन 2008। कई बार हम इंडियन सोचते हैं कि यार बाहर की कंट्रीज में किलर कैसे कैसे होते हैं एंड मतलब किस लेवल के क्राइम्स करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इंडिया में भी ऐसे किलर्स हैं, हमारी इंडियन हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस लेवल के क्राइम्स कर चुके हैं। नंबर 3 इज निथारी किलर्स। अगर तुम न्यूज़ वगैरह सुनते हो एंड काफ़ी पहले से न्यूज़ सुन रहे हो तो तुम्हें ये वाला केस बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी दिनों तक इस न्यूज़ को कवर करा था एंड काफ़ी अच्छे से कवर करा था विद ईच एंड एवरी डिटेल। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कंप्लेन कर दी कि न्यूज़ वालों ने इस क्राइम को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखा दिया है एंड उनको ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि न्यूज़ चैनल्स ने बहुत अननेसेसरी जो चीज़ें पब्लिक को जानने की ज़रूरत नहीं थी वो भी बता दी न्यूज़ पे, क्योंकि ये क्राइम बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था एंड न्यूज़ पे कई बार बच्चों ने ये न्यूज़ देखी थी एंड बड़ों ने बूढ़ों ने भी ये न्यूज़ देखी थी एंड वो काफ़ी शॉक्ड थे ये देखने के बाद, उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर आ गया था। तो इस ये काफ़ी पॉपुलर तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी इस पूरे इंसिडेंट की न्यूज़। तो अगर तुम न्यूज़ देखते हो तो तुम्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। एक बिजनेसमैन था मोहिंदर सिंह एंड उसका एक हेल्पर था सुरिंदर कोहली। 2006 में उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था जब निथारी विलेज जो नोएडा के पास में, वहाँ पे स्कल्स डिस्कवर हुए थे एंड उस स्कल्स डिस्कवर होने से पहले काफ़ी सारे मिसिंग चिल्ड्रन की कंप्लेंट फाइल हुई थी एंड वो उन्हीं मिसिंग चिल्ड्रन के स्कल्स थे। निथारी कांड, वो कांड जिसे सुनकर लोगों का खून जम गया था। नोएडा के निठारी में D5 कोठी से दर्जनों बच्चों की हड्डियां निकली थी और इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे था सुरेंद्र कोहली। उसने आसपास के 16 मासूमों के साथ D5 की कोठी में बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि मोहिंदर सिंह पंडेर को भी रिम्पा हल्दर केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। सुरेंद्र कोहली फिलहाल गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है। काफ़ी सारी बातें निकल के आई थी कि क्या क्या हुआ हो सकता है, विच इंक्लूडेड रेप, कैनिबलिज्म एंड पीडोफीलिया एंड इवन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। जो जो ब्लेम्स लगे थे उनमें से काफ़ी सारे वैलिड थे लेकिन काफ़ी सारे रूमर्स भी थे। सुरिंदर कोहली इज ऑन हिज डेथ रो एंड मोहिंदर सिंह
का अभी भी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि उस पर ऑलरेडी 11 और मर्डर केसेस हैं एंड उन 11 मर्डर केसेस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मर्डर केस रहा हो। मेरे को अभी तक याद है, मैंने इसकी न्यूज देखी थी एंड मैं खुद बहुत डर गया था। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ इंडियंस होते हैं जिनके दिमाग बहुत ही डार्क वे में चलते हैं। Why? Okay, so the next serial killer is the Stone Man Killer, जिसकी identity अभी तक unknown है. This is one of the most infamous unsolved murders in Indian history. इसको हम Indian version of Jack the Ripper भी ले सकते हैं. 1989 में बॉम्बे में 9 लोगों का मर्डर हुआ था एंड बहुत ही सिमिलर वे में. उन सब के हेड्स को लिटरली स्मैश करा गया था विद स्टोन्स एंड छोटे मोटे स्टोन्स भी नहीं, लाइक प्रॉपर बड़े वाले स्टोन्स। इस किलर की न्यूज कैलकटा के न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लाइक हर न्यूज़पेपर में और हर न्यूज में इस पूरे इंसिडेंट को कवर करा गया था। एक और पॉसिबिलिटी ये बोली जा रही है कि ये कुछ किलर्स के बीच में कॉम्पिटिशन था कि कौन ज्यादा लोगों का मर्डर कर सके, ऐसी पॉसिबिलिटी बोली जा रही थी क्योंकि इस केस से पहले भी कई सारे केसेस ऐसा आ चुके थे जिसके अंदर दो किलर्स कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे से कि कौन ज्यादा लोगों को मार पाता है एंड दोनों को एक ही तरीके से मर्डर करना होगा। तो पॉसिबिलिटी थी कि इस केस में भी वैसा ही कुछ हो, लेकिन टिल डेट जिन्होंने भी ये मर्डर्स कमिट करे थे वो अननोन है, कोई नहीं जानता कि वो कौन थे एंड वो ओपनली घूम रहे हमारे बीच में। तो पॉसिबिलिटी है कि इस स्टोन किलर को तुमने कहीं देखा हो, कहीं पब्लिक में या मार्केट में, एंड तुम्हें खुद ना पता हो कि वो सीरियल किलर है। जस्ट सेइंग, हो सकता है सर। एंड द फाइनल वन इज अमरदीप एंड ही इज द यंगेस्ट सीरियल किलर ऑफ इंडिया। अमरदीप को बेगूसराय में अरेस्ट करा गया था पहली बार जब वो 8 साल का था। अमरदीप मर्डर्ड हिज 6 ईयर ओल्ड कजन, हिज ओन 8 मंथ ओल्ड सिस्टर एंड 6 मंथ्स ओल्ड खुशबू। उसने 3 मर्डर्स कमिट करे थे एंड तीनों बच्चों के। ऐसा कहा जाता है कि अमरदीप की फैमिली को पहले 2 मर्डर्स के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो कॉप्स के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि वो फैमिली मैटर सोच के उसको फैमिली में ही सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे। लेकिन जब अमरदीप ने अपने नेबर की ही डॉटर को का मर्डर करा था तो फिर जाके उसके नेबर्स ने कंप्लेंट करी पुलिस के पास जाके एंड फिर सब कुछ रिवील हुआ कि अमरदीप पहले भी ऐसे मर्डर्स में इन्वॉल्व रह चुका। एंड हियर इज द क्रीपीएस्ट थिंग, जब अमरदीप को पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों करा, ही जस्ट स्माइल्ड। एक 8 साल का बच्चा 3 मर्डर्स करता है एंड उसके बाद जब उससे पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों करा, ही जस्ट स्माइल्ड। मैंने जब ये पढ़ा था तो मेरे दिमाग में 2 ही क्वेश्चन आए थे, व्हाई एंड हाउ, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सुनने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। अगर मैंने किसी को भी अपनी किसी बात से ऑफेंड करा हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें कोई मेरी बात पसंद ना आई हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर तुम ऐसी और क्रीपी वीडियोस चाहते हो तो मैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो जल्दी से जाके लाइक कर दो वीडियो को एंड अगर तुम एंड तक पहुँच गए हो तो हाई फिंग लिख देना कॉमेंट्स में, मेरे को पता चल जाएगा तुम एंड तक पहुँच गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।